हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। और वन वर्ड जो हैं ये आपको फिफ्थ से एट तक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपके सभी को आपको देखना है। फिर मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो होमवर्क में दूंगी, वो आपको करनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं सारे जो वन वर्ड हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फर्स्ट है टू थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू और रियल। कौन सी चीज़ ट्रू है और रियल है इसको अगर हम सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं बिलीव करना। बिलीव मीन्स विश्वास करना, भरोसा करना। द एक्शन ऑफ अलाउइंग समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए कहना, उसे कहते हैं परमिशन। अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स जो दौड़ने वाले होते हैं उनके लिए एक सर्कुलर गोल पाथ जो होता है उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे रेस की जाती है वो होता है ट्रैक। इन अ वे दैट शो समवन इज़ नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट, कि आपको देखकर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति एक्साइटेड भी नहीं है, नर्वस भी नहीं है, अपसेट भी नहीं है। इसका मतलब वो कामली है। काम मीन्स होता है शांत रहना। अ वे टू डेस्टिनेशन, अपना जो डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे आपको पहुँचना है उस स्थान के लिए जो भी वे होता है, रास्ता होता है, उस रास्ते को कहते हैं रूट। अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करता है उसे कहते हैं हंटर। अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म, ऐसी सीट जिस पे कि बैक या आर्म नहीं होते हैं, मीन्स पीछे सहारा लेने के लिए नहीं होता, उसको कहते हैं स्टूल जो बैठने की होती है। मोर देन इनफ, इनफ से ज़्यादा जो हो जाता है उसे कहते हैं एम्पल। इनफ मीन्स जो पर्याप्त होता है, पर्याप्त से भी ज़्यादा हो गया उसे कहते हैं एम्पल। अ कलर ऑफ वाइट एंड रेड मिक्स टुगेदर, वाइट और रेड को मिक्स करने पे कौन सा कलर बनता है, वो बनता है पिंक। एबडक्ट समवन एंड होल्ड कैप्टिव, किसी को पकड़ लेना और अपने पास रखना उसे कहते हैं किडनैप करना। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म वेयर एक्टर्स परफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि एक्टर्स परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं स्टेज। नेक्स्ट है अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट समवन, कोई भी मॉडल होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं एफिजी। एफिजी मीन्स किसी का भी पुतला वगैरह बना होता है जो किसी के लिए, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। एन ओपन व्हीकल विथ टू व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेस, हॉर्सेस के द्वारा खींचा जाने वाला जो व्हीकल होता है वो होता है चैरियट मीन्स रथ। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो वॉर, वो टाइम जिसमें कि कोई युद्ध नहीं हो रहा हो उस टाइम को कहते हैं पीस। पीस में शांति। अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर, कोई भी आपके बहुत पास में रहता है वो होता है आपका नेबर। अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल मीन्स रुका हुआ जो पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसकी जो स्मॉल बॉडी होती है उसे कहते हैं पोंड, तालाब। लैकिंग गुड सेंस और जजमेंट, लैकिंग मीन्स होती है कमी, तो अच्छे सेंस की या जजमेंट की कमी जो होती है जिस इंसान में उसे कहते हैं फुलिश मीन्स मूर्ख। वन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं चैटर बॉक्स। फीलिंग फियर, डर जाना उसे कहते हैं अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स भी डरना ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अ बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड, ऐसी बिल्डिंग जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ों को रखा जाता है और एग्जिबिटेड मीन्स उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, वो होता है म्यूजियम। अ टॉल नैरो बिल्डिंग, एक टॉल मीन्स लंबी, नैरो मीन्स सकरी जो बिल्डिंग होती है उसे कहते हैं टावर। टावर आपने सभी ने देखा होगा। अ प्लेस वेयर पीपल सीट टू ईट मील्स दैट आर कुक्ड देयर, कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कि मील मीन्स भोजन है वो कुक किया जाता है और वहाँ पे बैठ के खाया जाता है, तो वो होता है रेस्टोरेंट। अ जर्नी टू एक्सकर्शन, ऐसी जर्नी जिसमें कि आप घूमने के लिए जाते हैं वो होती है आपकी ट्रिप। अ कंट्री अदर देन वंस ओन, खुद की कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्री होती है उन सभी कंट्रीज को कहते हैं फॉरेन, विदेश। अ पर्सन और ग्रुप विच अटैक अ प्लेस, किसी भी प्लेस पे अटैक करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं इन्वेडर। इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी।
वंस नेटिव कंट्री, किसी की भी नेटिव कंट्री, नेटिव मीन्स खुद की जो होती है उसे कहते हैं मदरलैंड, मातृभूमि। लव फॉर वंस कंट्री, अपनी कंट्री के लिए जो लव होता है, देश के लिए प्रेम होता है, उसे पैट्रियटिज्म मीन्स देश प्रेम कहते हैं। जेंटल विंड मीन्स नॉर्मल जो हवा चलती है, तेज नहीं चलती है, उसे कहते हैं ब्रिज, पवन। अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की जो स्टेट होती है मीन्स आप जब डिप्रेशन में होते हैं तो उसे कहते हैं ग्लूम। आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, उसे कहते हैं सीक, मांगना। इन अ कंफर्टेबल वे, अगर आप कंफर्टेबल वे में होते हैं तो आप होते हैं कंफर्टेबली। अ डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को जानने की डिज़ायर मीन्स इच्छा, वो होती है क्यूरियोसिटी। अ प्लेस फॉर द कॉन्फिडेंट, कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल अक्यूज ऑफ क्राइम, कन्फाइनमेंट मीन्स होता है अलग करके रखना, तो क्राइम के कारण किसी व्यक्ति को अलग करके जहाँ रखा जाता है वो होती है जेल। प्लेस विथ टेम्प्रेरी एकोमोडेशन, जिसमें कि टेम्प्रेरी मीन्स अस्थाई जो है एकोमोडेशन होते हैं, मीन्स जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या जो भी आपको डेली रूटीन में जो चाहिए वो, उसके लिए आप टेम्प्रेरी कोई चीज़ कोई प्लेस पे जाते हैं वहाँ रखते हैं, उसे कहते हैं कैंप। अ शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल, एक शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल होता है हाथ से काम में लेने वाला छोटा, वो होती है सीकल। सीकल जो दराती होती है उसे कहते हैं। लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड मीन्स ट्रेडिशनल, लॉन्ग एस्टेब्लिश मीन्स जो लंबे टाइम से प्रचलित है उसे ट्रेडिशनल कहते हैं, जो कि ट्रेडिशन में होता है। अ लाउड क्राई ऑफ एंगर फियर, जोर से डर से चिल्लाना या एंगर गुस्से से चिल्लाना, उसे कहते हैं स्क्रीम। अ जनरल पोजिशन टूअर्ड्स विच अ पर्सन और थिंग मूव, वो पोजिशन जिसमें कि पर्सन या थिंग मूव करती हैं उसे कहते हैं डायरेक्शन, दिशा। अ पर्सन हु शोज द वे टू अदर्स, जो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है वो होता है गाइड। द बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ अ पर्सनल गॉड, किसी भी गॉड में जो विश्वास होता है उसे कहते हैं रिलीजन, धर्म। अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट की फीलिंग को कहते हैं वंडर, आश्चर्य। स्मॉल पीस ऑफ पेपर एक्सेट्रा, कोई भी पेपर वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं स्क्रैप्स। पावरफुल अफेक्ट मीन्स इम्पैक्ट, किसी का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। शाइनिंग ब्राइटली, तेज चमकना, वो होता है ग्लीमिंग। टू स्टे और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, वो होता है ब्लेम। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल और थिंग इन अ ग्रुप, ग्रुप में कैलकुलेट करना पीपल और थिंग को, उसे कहते हैं काउंट, काउंट करना। वेरी हॉट एंड ब्राइट, वो होता है ब्लेज, जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ब्राइट भी होता है, चमकीला भी होता है, गर्म होता है, जैसे कि सन। अ सलेमन प्रॉमिस, किसी को हम प्रॉमिस देते हैं उसे कहते हैं प्लेज। गिव अप समथिंग वैल्यूएबल टू हेल्प अदर अनादर पर्सन, किसी पर्सन की हेल्प करने के लिए अपनी वैल्यूएबल चीज़ जो होती है, कीमती चीज़, वो उसे दे देना, वो कहलाता है सेक्रीफाइस, त्याग। रिलेटिंग टू डीप फीलिंग एंड रिलीजियस बिलीव्स, जो रिलीजियस धर्म से जुड़े विश्वास होते हैं उन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल। फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव इन अ वे टू इम्प्रेस पीपल, स्वैंकी मीन्स जो फैशनेबल होता है, एक्सपेंसिव होता है मीन्स महंगा होता है, वो होता है स्वैंकी। एन ऑब्जेक्ट फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, किसी पे अटैक करने के लिए, लड़ने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं वेपन। वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, कोई अनहैप्पी होता है और अनकंफर्टेबल होता है उसे कहते हैं मिजरेबल, उस कंडीशन को मिजरेबल कहा जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी और आप इसमें से भी ले सकते हैं, और आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है। सभी वन वर्ड ही हैं इसमें, आपको वन वर्ड जो हैं आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं, तो ये आपको होमवर्क करना है। ओके।